जनपद में दो तहसीलों के गांव में पंचायती राज विभाग द्वारा 25 लाख का बायोगैस प्लांट लगवाया जा रहा है, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद में दो जगहों पर पंचायती राज विभाग द्वारा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें एक गोला के गाजीगाड़ा व खजनी के हरिहरपुर में लगाया जा रहा है, जिसमें गोला में लग रहा बायोगैस प्लांट का काम पूरा हो चुका है और हरिहरपुर का भी काम 95% पूरा हो गया है, जिसको 4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। दोनों की लागत 25 लाख रुपए है, जिसमें प्रतिदिन 1100 किलोग्राम गोबर का उपयोग किया जाएगा, जिससे 5 केवी का जनरेटर 45 वाट की 60 स्ट्रीट लाइट को 10 घंटे के लिए चलाया जा सकता है और 14 किलो के गैस सिलेंडर को गोबर गैस से भरा जा सकता है। 600 किलोग्राम जैविक खाद का निर्माण होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में दो जगह जो बीरत गौशाला है ग्राम पंचायतों में, एक गोला की गाजेगाड़ा और दूसरा हरिहरपुर है खजनी में, इन दो जगह पर बायोगैस प्लांट जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। एक जगह जो गाजेगाड़ा जो गोला है उसमें ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसको पायलट बेसिस पे रन कराना है। दोनों की लागत लगभग 25 लाख रुपये है और हरिहरपुर का जो है वो भी 95% कंप्लीट हो गया है, 5% कार्य अवशेष है, इसको अगले 3-4 दिनों में पूर्ण करा लिया जाएगा और उसके बाद दोनों को पायलट बेसिस पे रन करा करके देखा जाएगा। दोनों की कैपेसिटी जो है वो 45 क्यूबिक मीटर की है, जिसमें प्रत्येक दिन लगभग 1100 किलोग्राम गोबर का यूज किया जाएगा और इससे 5 केवीए का जो है जनरेटर चलाया जा सकता है, लगभग 60 स्ट्रीट लाइट जो 45 वाट की है उसको इससे जलाया जा सकता है 10 घंटे के लिए लगभग, और साथ ही साथ 14 केजी का जो है एक गैस जो होता है एलपीजी सिलेंडर जो है उसको इस गोबर गैस से भरा जा सकता है। तो ये इससे लाभ है और गोबर का यूज भी होगा। इसके अलावा लगभग 600 किलोग्राम खाद जो है प्रतिदिन जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होता है जैविक खाद का निर्माण इसके होगा।